अलैक्म वहम्ला स्लाम्मालेकुम। बैठ जाए कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग जामिया के जो हॉल रूम है वहाँ बैठा हुआ है अच्छा जामिया में है ढाका में नहीं है जी नहीं है अहमदनगर में है अहमदनगर अच्छा अच्छा ठीक है तरीफ रखें قبل ذلك قمت بعمل كافية حافظ شفية الله الدين طلابت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بنيّ إني أرى، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الاخرين. سلام على ابراهيم. كذلك نجزي المحسنين. السلام عليكم. وعليكم <applause> السلام. अकमल हुसैन साहब तर्जमाक वरह प्यार हजूर वाले तिलावत करद आयातों का तर्जुमा बयान फरमोदा आज हज़रत खलीफत रे मेरे रब मुझे सालहन में से वारिस अता कर बस हमने उसे एक बुरदबार लड़के की बशारत दी बस जब वो उसके साथ दौड़ने फेरने की उम्र को पहुंचा, उसने कहा अय मेरे प्यारे बेटे यकीनन मैं सोते में देखा करता हूं कि मैं तुझे जबा कर रहा हूं। बस गौर कर तेरी क्या राय है उसने कहा अः मेरे बाप वही कर जो तुझे हुक्म दिया जाता है यकीनन अगर अल्लाह चाहेगा तो मुझे तू सब्र करने वालों में से पाएगा बस जब वो दोनों रजामंद हो गए और उसने उसे पेशानी के बल लेटा दिया तब हमने उसे पुकारा क्या इब्राहिम यकीनन तू अपनी रोया पूरी कर चुका है यकीनन इसी तरह हम नेकी करने वालों को जजा दिया करते हैं यकीनन ये एक बहुत खुली खुली आजमाइश थी और हमने एक ब्ब अजीम के बदले उसे बचा लिया और हमने बाद में आने वालों में उसका ज़िक्र खैर बाकी रखा इब्राहिम पर सलाम हो इसी तरह हम नेकी करने वालों को जजा दिया करते हैं अच्छा नासिर अहमद कलाम कलामी हजूर अलकूम वरहमल वक्सर नासिर अहमद इबिन माल मोहम्मद असद साहब खा सर, सर दर्जा शाहिद का तालब हो मंजूम पाकिजा कलाम सैदना हज़रत अकदस मसीह सलाम कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को कभी जाए नहीं करता वो अपने नेक बंदों को कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को वही उस के है जो अपना आप खोते हैं वही उस के है जो अपना आप खोते हैं वो ही उसके मुकर्रब है हैं जो अपना आप खोते हैं नहीं रहा उस की बार गह तक खुद पसंदों को कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को यही तदबीर है प्यारो के मांगो उस से कुर्बत को यही तदबीर है प्यारो के मांगो उस से कुरबत को उसी के हाथ को ढूंढो जलाओ सब कमंद को उसी के हाथ को ढूंढो, जलाओ सब को कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को कभी ज़ाए नहीं करता वो अपने नेक बंदों को अस्सलामुअलैकुम व हाँ जीनस व अल्लमक वरम मोहम्मद मुहमद इस्लाम दर्जा खामसा प्यारे नबी वसल्लम के दो हदीसे पेशे खिदमत है अल्लाम सल मोहम्मद यू व आला आली मोहम्मद व बारिक वलीम इन्ना का हमीद व मजीद अन्बी हुररत रदी अनु أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى زلالة كان عليه من الإثم مثل أسام من تبعه لا ينقص ذلك من أسامهم شَيْأً हज़रत अबू हुरर रज़ील्हू से रवायत है कि रसोल्लासम ने फरमाया जिसने दूसरों को हदायत की तरफ बुलाया उसके लिए उस रास्ते पर चलने वालों की सवाब के बराबर सवाब है जबकि उनके में से कुछ भी कम न होगा जिसने गुनाह की दावत दी उसके लिए भी उतना गुनाह है जितना उस गलती का इतकब करने वालों पर है जबकि उनके गुनाहों में भी कोई कमी नहीं होगी صحيح مسلم عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعنا فيها فجعل ينزئهن ويقلبنه فيختهمن فيها फ़ाना आखाजिकुम अनार वहुम यख तमून फ़ीहा हज़रत आबू हुर रज़ल्न् बैन करते हैं कि मैंने रसोल को फरमाते हुए सुना कि लोगो मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख़्स की सी है जिसने रोशनी की खातिर आग जलाई परवाने और कीड़े मकोड़े उस पर आ, आ कर गिरने लगे वो उन्हें परे हटाता है मगर वो बाज नहीं आते और उस पर गिरते चले जाते हैं मैं भी तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ कर तुम्हें आग में गिरने से बचाना चाहता हूँ और तुम हो के देवाना बर उस आग की तरफ भागे चले जाते हो बुखारी कि तब्रक असल वरम्ल वालेकाम वसीम मोहम्मद तारीफ हुसैन प्यार हजूर असल वरम्ह वाल अक्सर मोहम्मद तारीफ हुसैन इबन मौल महम्मद आमिर हुसैन साहिब दर्ज खामसा मलफज़ा आज हज़रत अकबस मसी महदात पेश खिदमत हैजरत अकदस मसीमदलम फरमाते हैं बस मैं चूँकि खुद तजरबाकार हूँ और तजर्बा कर चुका हूँ और इस वाक़ के लिए अल्लाह त मुझे वो जोश आता फरमाया है कि अगर मुझे ये भी कह दिया जावे कि इस वक्त में कोई सवाब और फ़ायदा नहीं है बल्कि तकलीफ़ और दुख होगा तब भी मैं इस्लाम की खिदमत से रुक नहीं सकता इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपनी जमात को नसीहत करूँ और ये बात पहुँचा दूँ आइंदा हर एक का इख्तियार है कि वो इसे सुने या ना सुने अगर कोई नाजात चाहता है और हयात तयबा याबद ज़िंदगी का तलब गार है तो वह अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी वफ़ करे और हर एक इस कोशिश और फ़िक्र में लग जावे कि वो इस दर्जा और मर्तबा को हासिल करे कि कह सके कि मेरी ज़िंदगी मेरी मौत मेरी कुर्बानियाँ मेरी नमाजें अल्लाह ही के लिए हैं और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह उसकी रूह बोल उठे रब्बिल आलमीन यानी मैं तो तमाम जहानों के रब के लिए फर्म हो चुका हूँ जब तक इंसान खुदा में खोया नहीं जाता खुदा में होकर नहीं मरता वो नए ज़िंदगी पा नहीं सकता बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो तुम देखते हो कि खुदा के लिए ज़िंदगी का वाक़ मैं अपनी ज़िंदगी की असल गर्ज समझता हूँ फिर तुम अपने अंदर देखो तुम में से कितने हैं जो मेरे इस फ़ेल को अपने लिए पसंद करते हैं और ख़ुदा के लिए ज़िंदगी वाफ़ करने को अजीज रखते हैं मलफुजात जिल्द अवाल सफा पास असल वरह वाई अलम हाँ जी कसीदा महबूब अहमद रफ़ी फिरदौस हसन सलमान अहमद प्यारे हुजूर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू وعलेकुम अस्सलाम खाकसर महबूब अहमद दर्जा मुम하다 अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि प्यारे आका खाकसर सुलेमान अहमद दर्जा मुम하다 अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर खाकसर मोहम्मद फिरदौस हसन दर्जा मुम하다 कसीदा आज हजरत अक्दस मसीह ए अलैहिस्सलातु व يا قلبي يذكر أحمد عين الهدى مُفْنِي العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا يا قلبي يذكر أحمد عين الهدى مُفْنِي العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمدا احسانه يسبي القلوب وحسنه يروي الصدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدا احسانه يسبي القلوب وحسنه يروي الصدى يا قلب يذكر احمد عين الهدى مُفْنِي العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى انكاره لما بدا <تصحيح> <تصحيح> الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى انكاره لما بدا يا قلبي اذكر احمد عين الهدى مفن العدا, <مفن العدا> برا كريما محسنا بحر الْعَطَايَا والجدى نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدى برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى يا قلب يذكر احمد عين الهدى مُفْنِي الْعِدَى برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى नुमादा क्लास के हो तीनों क्या उम्र है कितने साल के हो डेढ़ साल तुम्हारा नम्र क्या है तुम्हारी उम्र एजारह और ये ट्वेंटी और ये अच्छा दो की दाड़ियाँ एक की दाड़ी नहीं मैंने कहा छोटा है क्यों मैट्रिक करके आए थे यहाँ जी मैं इंटर देकर आया में दाखिल हुआ इंटर करके आया करके आया वो उन दोनों को मैट्रिक देकर जामिया में दाखिल हुआ सो मैं इंटरमीडिएट पास होने के बाद जामिया में इंटरमीडिएट पास करके आया है ना इंटरमीडिएट एफ एफ एस होता है ना तो ये दोनों इंटरमीडिएट करके आया मैट्रिक करके आया मैं और ये इन दोनों इन मैट्रिक करके आया हूँ और ये इंटरमीडिएट करके आया अच्छा तो उसकी उम्र क्यों ज़्यादा है मैट्रिक लेट किया था मैट्रिक तो सोलह साल में हो जाना चाहिए था हम्म? मैट्रिक सोलह साल में हो जाए जामिया में आए, अभी तो साढ़े सत्रह साल उम्र होनी चाहिए इक्कीस साल की उम्र हो गई उम्र ज़्यादा हो गई है चलो जाओ बैठो हाँ जी प्रिंसिपल साहब जामिया असल वरम वा प्यारे हजूर आई एम प्रेजेंटिंग ए शॉर्ट ब्रीफ ऑन जाम बांग्लादेश जामिया अहमदिया बांग्लादेश वॉज एस्टेब्लिस्ड एट द काइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ हज़रत खलीफुलमसी रब्ल इन टू थाउजेंड एंड टू द फर्स्ट कोर्स वॉज ए Mubashir Murubbi course of three and a half years. The first principal was Maulana Saleh Ahmad Thirteen students got admitted and all passed. They passed out uh, in June 2005. With the kind approval of our President Huzoor, our Jamia was upgraded to international level in 2006. Maulana Imdadur Rahman Siddiqui Sahib joined as principal. Every year, students got admitted after written and VIVA examination. A seven year Shahid course of international standard was followed. Though provision for 15 students is there, but we used to get 10 to 12 students every year because others could not qualify in the exam. So, 2006, in 2006, uh, the first batch passed out, passed, and the last year, eighth eight Shahid, Shahid batch passed. Total, till date, 65 students are working in the field and also some in Jamia. Jamia was first established in Anik Jamia was first established in our headquarters in Dhaka. The accommodation was congested. In 2019, Husuragdas permitted us to shift Jamia to our new premise here in Ahmadnagar, Panchagar. huzur Agdas granted us a beautiful Jamia building. Just opposite side of the Jamia is our 16-acre Jalsaga. About 900 Ahmadiyya population live here, around three sides of the Jamia. The other side is open field, uh, green, cultivable land. It is very Calm and scenic location. Two kilometers from Ahmadnagar, we have another Jamaat named Shalshiri. There are 1,200 members there. Huzur can now see the mosque, Shalshiri Mosque, and the Mahalla there by the side of the river. And our mosque is just, Shalshiri Mosque is just by the side of the river our jamia building has four storied foundation but presently we could construct only two story we need to construct another floor very soon because we need more space for our library and we need to provide individual accommodation or cubicle for the final year students the main jamia building has eight classrooms teachers common room library computer room the hostel block is separated by a open space and garden the hostel has 16 rooms which can accommodate 64 students just beside the jamia building we have our teachers accommodation we have a modern building and eight flats presently, jamia has a multipurpose teen shade hall where we are sitting now. huzur can watch the uh, hall room. it is a teen shade hall room. it can accommodate 200 people. Uh, it is a multipurpose room. multipurpose hall room. Uh, we have our prayer room here also. and adjacent is our veranda, which is 10 feet wide. And it serves our uh, dining room. We wish very soon we may build a purpose-built auditorium and gymnasium. By the side of this hall room, we have a playground where handball, volleyball, badminton is played. But for football and cricket, our students have to cross over the road and go to the Jalsaga, where large uh, playground is available. Every morning, light exercise is compulsory here. Afternoon, uh, a game is scheduled. Before class starts, we have assembly in the open field. National flag is hoisted, and national anthem is sung after the Quran Talawat it is a government requirement here for all educational institutions. jamia has 47 students in total now. we have 14 teachers, teaching staff, including me. here we fervently submit to huzur that every year some students drop out from jamia. the main few reasons are, number one, some students fail to abide by the rules and discipline of jamia those ample scope is given to them number 2 some students have real language barrier they cannot learn languages like arabic and urdu some students cannot face the routine life here they are brought up with much care by their parents huzur we are much grateful that maulana abdul majid tahir sahib additional local tafsir visited our jamia last year at the instance of Huzoor agdas we received valuable guidance from him and since then we are progressing alhamdulillah our board of governors have taken initiative to develop our quality of instructions and also to provide all necessary support Motram National Amish is specially uh, attentive to this that our students get the real ruh of work of. Jamia Board is also considering sending some teachers abroad for specialization under uh, direction from Additional Vukalat Huzoor, we are trying to build our boys as per Huzur's standard. And we expect that by the grace of Allah, they will be worthy soldiers of Khilafat, inshallah. I humbly request Huzur Agdas to pray for us all and for Bangladesh. Language barrier, to principles of Galihiya Lakhtamuja. आप क्या कहते हो हाँ जी स्टूडेंट्स हाँ जी क्या कहते हैं आप बैठ जाए प्रिंसिपल यू जस्ट सिट डाउन हाँ स्टूडेंट्स क्या पूछते हो पूछना है कुछ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अरे अस्सलाम रहमतुल्लाह हाँ जी सर अतुल वासे फजल खास का तालिब इल्म हूँ फजल खास क्या है मुमाइदा फसल खास क्या है उर्दू सिखाने के लिए खास फसल खास में क्या सिखाते हैं उर्दू हाँ? और कुरान नाजिरा और अरबी थोड़ा सा सिखा देते हैं ताकि ममादा जाके वो रेगुलर जो कोर्स है वो पढ़ सकें अच्छा अच्छा फसल खास भी एक साल का है छः महीने का है ये अभी पहले छः महीना हुआ करता था लेकिन कोरोना की वजह से ये एक साल हो गया है अच्छा बैठ जाओ फिर बैठ जाए बैठ जाए आप जा ठीक है फजलताबाजी क्या पूछते हो अक्सर का सवाल ये है कि जामिया की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल है पढ़ाई को याद करने का और जहन नशीन करने का सबसे आसान तरीका क्या है आसान तरीका ये है कि जो कल पढ़ना है ना वो टीचर से पूछ लिया करें वो आज घर से पढ़ के जाएँ और जो टीचर पढ़ाए जामिया में उसको घर वापस आ जामिया में से वापस आके हॉस्टल में बैठ के दोबारा उसको रिवाइज़ कर लें हैं एक दफ़ा जो लेक्चर सुनना है उसको पढ़ के जाएं और जो लेक्चर सुन लिया उसको आके दोबारा रिवाइज़ करें रिपीट करें तो वो आपको याद हो जाएगा समझ आई कोई दिलचस्पी भी लेनी है फिर दुआ भी करो अल्लाह ताला से दुआ भी करो कि अल्लाह ताला जैन को जिला बख्शे और याद भी हो जाए बातें हैं

मसीूर रहमान है दर्जा सानिया का तलब इल्म हूँ कहते कहते कहते, है। कहते 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 मसीहर रहमान और लिखा मशहूर रहमान हुआ है हाँ अच्छा अच्छा ठीक है बोला ठीक है कम अज़ कम अच्छा ठीक बताओ क्या फरमाते हो मेरा सवाल ये है कि हम खुदा के प्यारे कैसे बने और खुदा को अपना प्यारा कैसे बनाएं अच्छा तो अल्लाह ताला ने तरीका सिखाया हुआ है कि मेरी बातें मानो तो मेरे प्यारे बन जाओगे और ये तो दोनों तरफ तो से बातें होती हैं साहबा क्या किया करते थे साहबा हैं आन सल से मोहब्बत करते थे ना कुरान शिफ़ में ये यही लिखा है ना हैं फतह बे नहीं योकुमुल्ला फतः बे नहीं योकुमुल्ला आन सर ने फरमाया कि मेरी अल्लाह ताला ने फरमाया आंसर को बता दो इनको कि मेरी इतवाबा करो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा तुम्हें प्यारा बना लेगा और इतबा क्या है सुनत परमल आ हज़रतल साम किए उन परमल्म जिस तरह नमाज़ें पढ़ते थे सँवार के सल्ह तरह नमाज़ें पढ़ो आ हज़रतल व नवाफिल पढ़ते थे वह नवाफिल पढ़ो आदर सल्लम जिक्रहीमते थे वह करो आदि वम लोगों से सल्हम लोगों से अख्लाक से पेश आते थे उस तरह अखलाक से पेश आओ तो अल्लाह ताला लग के प्यारे बन जाएंगे और यही चीज़ें हैं पाँचों वक्त की नमाज़ें संवार के पढ़ें कुर करीम की तलावत करें उसको समझें और उसमें से जो अकाम हैं अल्लाह ताला के उन पर अमल करें और इबादत के साथ अल्लाह दूसरे बंदों के हकूक़ अदा करें तो यही चीज़ अल्लाह ताली का प्यारा बनाने वाली है और यही एक मुरबी की खसूसियात होनी चाहिए और जब ये खसूसयात होंगी तो फील्ड में जाके अब कामयाब मुरबी होंगे जो आप अल्लाह ताला की इबादत की तरफ भी लाने वाले होंगे लोगों को और लोगों के हक़ अदा करने की ज़रूरत वज लाने वाले भी होंगे सबसे पहले अपनी मिसालें कायम करेंगे तो फिर कामयाब मबी बन सकते हैं ठीक और यही चीज़ अल्लाह ताला का प्यारा बनाएगी यही चीज़ हाँ हजरल दरूद दर भेजेंसल्लम पर यही चीज़ का भी प्यारा बनाएगी और आपकी वसात से अल्लाह ताल का प्यारा बनाएगी ठीक चलो फिर बैठ जाओ प्यारे हुजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला वालेकुम सलाम रहमतुल्ला खाक सर मोहम्मद उस्मान गनी दर्जा खामसा अच्छा गनी गनी साहब क्या फरमाते हो हुजूर मेरा सवाल ये है कि हम वक्फ की हकीकी रूह अपने अंदर किस तरह पैदा कर सकते हैं अभी तक यही नहीं पता लगा खाम साहब तक पहुंच गए अभी तक यही नहीं पता लगा वक्फ की हकीकी रूह क्या चीज़ है, है? है? अपने वक्फ की हकीकियों पैदा हो सकती है जब इंसान अपने आप को मार दे और हकीकी तौर पर खुदा तला का हो जाए हैं बदतर हजरत ने फरमाया बदतर बनो हर एक से अपने ख़्याल में हैं अपने ख्याल में हर एक से अपने आप को कम समझो हैं हमेशा ये याद रखो कि किसान मुसलम के अल्लाह ती नेाम फरमाया था कि तेरी आज़ाना रहें उसे पसंद आएँ आजि बन के रहो इलम हासिल करके तकबर ना पैदा हो जाए ठीक और तीसरी बात यह है कि हमेशा अपने आप को आजस समझते हुए ये ख्याल रखो मैं था गरीब हो बेकसो गुमनाम हूँ बेहनर मैं कोई चीज़ नहीं था अल्लाह तुझे तोफीक दी कि मैं जामिया में आऊँ अल्लाह ताला ने मुझे तोफीक दी कि मैं जामिया से पास होकर मुरबी और मुबलग बनूँ अल्लाह ताला ने मुझे तोफीक दी कि मैं लोगों की तरबियत के सामान पैदा करूँ अल्लाह ताला ने मुझे तोफीक दी कि मैं तबलीग करके मुबलग बन के तबलीग इस्लाम करूँ और अपने कौम के लोगों को दीन सिखाऊँ इस ये चीज़ें मुझे मेरे में अंदर आज पैदा करने वाली होनी चाहिए और अल्लाह ताली का कुर्ब दिलाने वाली होनी चाहिए जब ये चीज़ एहसास पैदा होगा तो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ भी तोजो पैदा होगी और लोगों के हक अदा करने की तरफ तोजो पैदा होगी अपने नफ्स का जायज़ा लेने की तरफ तोजो पैदा होगी हर वक्त देखते रहें कि मेरे नफ्स में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा हो अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है हर वक्त ये ख्याल रखें कि हमारा हर फ़ेल जो है अल्लाह ताला के सामने है और हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हर काम करना है जब ये करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे ठीक है ठीक है जाओ फिर बैठ जाओ प्यारे प्यार हजूर असल वरम्ह वालिकाम रहमतुल्लाह। खाकसर राशिदुल हसन दर्ज़े मुमािदा का तलब इल्म हूँ अच्छा फरमाओ क्या फरमाते हो दर्ज मुमायदा साहब हसन साहेब क्या फरमाते हैं आप क्सर का सवाल ये है कि जब आप मुख्तलिफ़ मुल्क के वज़र आजम से मिलते हैं या पार्लियामेंट से खिताब करते हैं तो कौन सी दुआएं है करते हैं दुआ करते हैं दुआ यही करते हैं कि अल्लाह तन के एक तो ये कि किसी से खौफ से होने की ज़रूरत नहीं हम आहदी हैं और हमें पता है कि एक आमदी मुसलमान जो है उसको किसी के रोब में आने की ज़रूरत नहीं है हुँ? और अल्लाह ताला ने वसीम को भी फरमाया था कि नसर तो भी रोब कि तुझे मदद दी गई है रोब के साथ इसलिए हमारा रोब दोनों दोनों दुनिया दुन, पर कायम है हमें किसी के रोब में आने की ज़रूरत नहीं है बाकी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला मदद करे सीना खोले हैं, हैं और बाकी आम दुआएँ अल्लाह का साथ पढ़ के और अल्लाह का नाम ले खिताब कर लेते हैं बस कोई को, खौफ दुदा होने की ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ से हैं ये ये समझो कि सब बेवकूफ़ हैं हम इनके लीडर हैं और हम इनके उस्ताद हैं जब हम इनके उस्ताद हैं तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत क्या है ना कोई चाहे पार्लियामेंट आ जाए या पार्लियामेंटेरियन आ जाए ना मैंने देखा है दुनियादार के दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को कुछ पता है उनका इलम भी कोई नहीं महदूद इलम होता है थोड़ी थोड़ी बातें सिर्फ सियासत की थोड़ी सी बातें होती हैं उसके बाद बैठ जाते हैं ना कोई बादशाह वज़ी अजम कोई गैरमूली को चीज़ है हवा कोई डरने की ज़रूरत है उससे हमारे तो जो मौलग़ी हैं अच्छे है, मल्लग़ी तजर्बाकार वो भी बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं और बगैर डरे मिलते हैं उनको पता है कि हमने दुनिया को गाइड करना है ये जहन में रखो कि हमने दुनिया की रहनुमाई करनी है हमने दुनिया को गाइड करना है जब ये पता हो कि हमने दुनिया की रहनमाई करनी है हमने दुनिया के गाइड करना है तो फिर किसी किस्म का खौफ की ज़रूरत नहीं और यह भी पता हो कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है यह भी पता हो कि अल्लाह ताला ने से वादा किया कि तुम्हारी नुसरत मदद ताइद और मैं फरमाऊँगा तो बस फिर ये सारा कुछ पता हो तो दुआ करो और अल्लाह ताला का नाम लो बिस्मिल्लाह पढ़ो हैं और आ, ये भी दुआ पढ़ा करो कि रब हबली हुक्मन व लखनी रीन वजान आख़िरन ये दुआ भी पढ़ा करो रबी शराली सदरी अमरी असरली अमरी सानी ये भी पढ़ा करो हैं तो ये सारी दुआएँ भी पढ़ते रहा करो और समझो कि तुमने दुनिया को लीड करना है दुनिया रहनुमाई करनी है तो ये चीज़ें तो जहन में होंगी तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है तो मुझे तो लगभग से कभी कोई परेशानी नहीं हुई तो बड़े से बड़ा लीडर हो अमेरिका में जब मैं गया हूँ कैपिटल हिल में से खिताब से एक दिन पहले वहाँ के टॉप के तीन पादरी जो उनके आर्मी में भी और सर्विसेज में भी खिताब करते हैं और बड़े मजे हुए लोग थे वो आए मेरे से मुलाकात थी एक दिन पहले तो मुझे कहने लगे कि कल तुम्हारा खिताब है पार्लियामेंट कैपिटल हिल में तो तुम्हें कोई कोई खौफ पैदा हो रहा होगा या कोई तैयारी कर रहे होगे पता नहीं क्या तो मैंने उसे कहा मुझे मुझे कोई खौफ नहीं मैंने तो बात करनी है कुरान करीम की तालीम की रोशनी में अल्लाह रसूल के हुक्मों की रोशनी में और वो मुझे पता है कि वो बात ऐसी है उसका मुकाबला तुम लोग नहीं कर सकते कहता है अच्छा हम तो जब हालांकि मज, बड़े मजे हुए हैं और सला साल से सर्विसेज में भी काम करते हैं और बड़े बड़े पार्लियामेंट में जाके वहाँ कैपिटल में भी बजा में बोलना पड़ता है लेकिन हर दफ़ा जब हम जाते हैं हमारे अंदर डर होता है कि पता नहीं हम किस ना बोलेंगे लेकिन तुम तो कहते मुझे डर ही कोई नहीं मैं क्या मुझे डरने की ज़रूरत कोई नहीं अल्लाह हमारे साथ है ठीक इसलिए कोई प्रवाह की ज़रूरत नहीं और अल्लाह फिर साथ देता है ठीक चलो फिर बैठ जाओ प्यारे हुजूर खाकसर मोहम्मद आलम दर्जा सालसा का खाकसर का सवाल है कि हजरत अकदस बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ये बारे में ये। प्यारे हुजूर के मुबारक जबान से कुछ सुनना चाहते हैं क्या सुनना चाहते हैं हाँ, क्या सुनना चाहते हैं है? क्या क्या सुना सकते हैं इल्हाम हुआ कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूँढेंगे तो इसका मतलब है कि हजर मसीम के हर काम में हर बात में और, और कपड़ों में और हर चीज़ में बरकत है इसलिए जो बड़े बड़े बादशाह हैं वो भी इस बात को अपने लिए एज़ाज़ समझेंगे और एक काबिल कदर चीज़ समझेंगे कि उनको हजरत मसिम के कपड़ों का कोई तोहफ़ा मिले और बरकत मिले अब आजकल वो बरकत तो मिल नहीं सकती तो हम अगर हमने बरकत ढूंढनी है अब सारी दुनिया में हर हहमदी को तो बरकत नहीं पहुंच सकती और ना हर बादशाह तक वो बरकत पहुंच सकती है कपड़ों की सूरत में अमली सूरत में तो इसके लिए यही है कि हजरत वसीम की जो तालीम है उसको हम अपने ऊपर पहले लागू करें जो आपने बताया हमें आपके जो मिशन है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें और यही जो बरकत है मसीह इस्लाम के आमद की बरकत और आपके ज़रिए से हयाए नौ की बरकत अप, आपके ज़रिए से इस्लाम की नशतानिया की बरकत आपके ज़रिए से इस्लाम का झंडा दुनिया में लहराने की बरकत आपके ज़रिए से खुदा वाहिद की हुकूमत को दुनिया में कायम करने की बरकत आपके ज़रिए से सूर्य पाक सल वम के झंडे तले दुनिया को लाने की बरकत ये चीज़ें बरकत तो आप हमें दे गए इनको अब हमने हासिल कर करके इनसे फ़ायदा उठा के दुनिया में फैलाना है ठीक है बाकी कपड़ों की बरकत है वो अपनी जगह है अमली तौर पर और, और चीज़ों की बरकत है अब ये मैंने अंगूठी पहनी हुई है कि ये हज़रत मसीम की अंगूठी है वही पहले वाली अंगूठी जिस पर इलाम हुआ था और आपने बनवाई थी और आपने पहनी ये मैंने बरकत की हासिल पहनी हुई है तो जो जिसको तो बरकत अमली शक्ल में कपड़ों से या किसी चीज़ से मिलती है उसको हासिल करनी चाहिए लेकिन इसके अलावा जिस तरह के मैंने बताया इन बरक़ात को फैलाना आपकी तलीम को फैलाना और आपके मकसद को पूरा करना आपके मिशन को पूरा करना ये भी बरकत हैं इनको जमिया के हर स्टूडेंट का काम है कि वो फैलाए ठीक है खुद हासिल करे और आगे फैलाए ठीक है ना क्या ये कनाडा के वजी पर चस्पा हो सकता है किस तरह चस्पा कर दिया उस पर कैनेडा के वजे अजमे वहाँ उस पर किस तरह चस्पा करना है, है? वजी अजम तो और भी लोग हैं कई तो कैनेडा में वजी किस तरह चस्पा होता है क्योंकि वो हमायत करता है हमारी हैं किस तरह चुस् जिस? चम करना चाहते हो क्या दिल में कोई बात है बताओ ना ज़रा खुल के मैंने सुना कि वो हमारे तकरीर में आते हैं और आपके साथ मुलाकात भी करते थे हमारी तकरीर में आते हैं उन बड़े आते हैं बाद और वजीम भी आते हैं मेरे हमारी तकरीर में कैनेडा का जो इससे पहले वजी अजम था वो भी मेरे कैलगरी मस्जिद का मैंने इस्ताह किया तो वहाँ तीन घंटे का चार घंटे का एयर बाई एयर सफ़र करके कहीं जापान में जी सेवन की कॉन्फ्रेंस में जाना था तो पहले रुका मुझे मिला तकरीब में शामिल हुआ फिर आगे गया वो प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का था वो भी मिला मुझे और तकरीब में आया बड़ी इज्जत करते थे ये भी करते हैं यहाँ का भी यूके का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो था वो भी मुझे मिला अब जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी पहले मिल चुका है तो लोग तो बड़े बड़े हैं मिलते हैं तकरीब में आते हैं और मुल्कों के बाज़ों के प्राइम मिनिस्टर और सदर मिलते हैं तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं तो हर एक पे चश्मा बरकत तो सुख हुआ हो जब वो अहमदी हो जाएँ ठीक है बाक़ी यूं ही तो नहीं मिलने से तो चश्मा नहीं हो जाती हर बात हाँ ये उनका बड़ा फन है कि वो मिलते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं और जमात की कामों को सराहते हैं और शामिल होते हैं कुछ उनके पोलिटिकल वो होते हैं इंटरेस्ट कुछ वो दिली जज्बा और जोश भी होता है दोस्ती का हक हाँ भी अदा करते हैं तो और दुनिया के मुल्क भी तो हैं अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों के सदरान हैं बहुत इखलास से मिलते हैं हैं तो बल्कि बाद वो फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं मेरे से तो वो उनको क्यों ना बरकत हो रही है सिर्फ कैनेडा पर लागू कर रहे हो हैं ठीक है चलो बैठो सिर्फ बड़े आदमियों से मरूब ना आया करो छोटे आदमियों का भी ख्याल रखा करो जजाक चलो प्यारे आका खाकसर सा का नाम मोहम्मद एहसन आसिफ मैं दर्जा सालसा का तालबिन हूँ हजूर मेरा सवाल यह है कि माशरे में उमूमा दो किस्म के लोग होते हैं अव्वल जिनको मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं जिनको दिलचस्पी तो है लेकिन वो मजहबी शिद्दत पसंद है हुजूर हम इन लोगों को कैसे तबलीग कर सकते हैं मजहब से जिनको दिलचस्पी नहीं वो मादियत प्रस्त हो चुके हम आजकल दुनिया में बड़ी तादाद जो है उसको मजहब से दिलचस्पी नहीं रही और उसमें से भी एक दुनिया के जो यूरोपियन ममालिक हैं दूसरे मजहब के लोग हैं मुसलमानों में इजहार कम है लेकिन अमला उनका भी यही हाल है लेकिन दूसरे लोगों लोग जो हैं दूसरे मजहब के लोग वो इजहार भी कर देते हैं कि वो खुदा ताल को नहीं मानते इसलिए देहरीत ज़्यादा फैल रही है दहरीों की तादाद बढ़ रही है दुनिया में दूसरे रह गए मुसलमान वो लोग जिनको जो अपने आप को मजहबी कहलाते हैं या ईसाई वो लोग जो अपने आप को मजहबी कहलाते हैं लेकिन महब से दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मजहबी तालीम से दिलचस्पी नहीं है वह और मादियत में डूबे हुए हैं और दुनियादारी ने उन पर गालिब आ गई है और यही आखिरी ज़माने की, की हालात का नक्शा खींचा था अहम रसल वम ने और इसी आखिरी ज़माने की हालात को नक्शा जब खींचा था तो उसमें उस वक्त वसीमा ने आना था और इन्हीं लोगों के लिए सूरज जुमा में आयात नाजिल हुई थी और यहूदियों की मिसाल देखे कहा गया था कि वो देखो तुम लोग वैसे ना हो जाना और आखिरी जो तीन आयात हैं सूरज जुमा की आखिरी की जो तीन याद हैं उसमें यही बना है कि छोड़ देते हैं दुनियादारी में पढ़े हुए हैं और नमाज़ें और इबादतें छोड़ के बैठे हुए हैं फिर ये तो पहली किस्म के लोगों की दो किस्में हो गई और तीसरी किस्म ये है जो शिदत पसंद हो गए अब शिद्दत पसंदी भी जो थी हज़रत मसीम की आमद से पहले तो मुसलमान इस्लाम को भूल चुके थे इसीलिए ईसाइयों ने यहाँ आके हिंदू पाकिस्तान में जो सब कॉन्टीनेंट है बांग्लादेश हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसमें तबलीग की और तीस लाख मुसलमानों को ईसाई बना लिया बड़े बड़े पादरी मुसलमान मौलवी जो थे वो ईसाई हो गए क्योंकि इस्लामी तालीम नहीं थी हजरत मसीिम इस्लाम ने आके उनको थोड़ा सा उभारा अब हजरत मसीह की मुखालफत में जब ये उठे तो फिर इन्होंने एक लहर इस्लाम के हक़ में तो पैदा कर ली अपने अंदर एक एक तबके में लेकिन साथ ही शदत पसंदी भी पैदा कर ली हज़रत हजर साहब यही फ़रमाते हैं कि इन लोगों के जो मौलवी जो मुखालफी हैं इनमें भी इस्लाम मेरी मुखालफत की वजह से आया है इनमें पहले कोई नहीं था इस्लाम भूल चुके थे अब इन शदत पसंदों को हमें बताना है कि इस्लाम की असल खूबसूरत तालीम क्या है और यही हजरत वसीिम ने फरमाया कि यही चीज़ें हमें सारों को बतानी चाहिए कि और यही मकसद दो हैं मेरी आमद और बेसत के मकसद कि एक ये है कि बंदे को ख़ुदा के करीब लाना उसको इबादत करने वाला और अल्लाह ताला के हक अदा करने वाला बनाना ये उन लोगों के लिए भी है जो देहरीत की तरफ मायल हैं और उन लोगों के लिए भी जो है दुनिया परस्ती की तरफ चले गए लेकिन अपने आप को मजहबी कहते हैं और तीसरे बंदे को बंदे के हकूक़ अदा करने वाला बनाना ये उन लोगों के लिए भी है ये तीनों कैटेगरीज़ के, के लिए है देरीत वालों को भी बताना कि खुदा ताल के हकूक़ क्या है बंदों के हकूक़ क्या हैं जो मजहब को मानने वाले हैं लेकिन अमल नहीं करते उनको भी बताना कि अल्लाह ताली की इबादत के बाद दूसरा फ़र्ज एक दूसरे के हक अदा करना ये अल्लाह ताली का हुक्म है कुरान करीम से भरा पड़ा है इस तलीम से तीसरे वो लोग जो शदत पसंद है उनको बताना कि शदत पसंदी इस्लाम की तालीम नहीं है आ हदर वम की ज़िंदगी तो लोगों पे आसान करते हुए गुजर गई सारी आदर सल सल्म को तो कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने आलमीन फरमाया जब आलमीन है तो तुम लोग तो लोगों के लिए जहमत बन रहे हो कोई एक वाक़ बयान कर दो जहाँ सल्लि व्म ने ख़ुद इनिशिएटिव लेके लोगों पर कोई जंगें ठोसी हों कहीं भी नहीं आया कुरान करीम में जहाँ जंग का हुक्म आया पहली दफ़ा जंग करने का सूरतुल हज में वहाँ चालीसवीं इकतालीसवीं आए थे वहाँ यही हुक्म आया कि देखो तुम्हें इसलिए दिया जाता है तुम्हें इसलिए इजाज़त दी जाती है कि ये लोग अब हाथ से बढ़ गए हैं और अगर ये लोग और इनके हाथों को रोकना ज़रूरी है बाद के जरिए हम रोकते हैं अगर इनको इसी तरह जारी रहे ये तो फिर ना कोई हाँ, चर्च बाकी रहेगा ना कोई यहूदियों का सना बाकी रहेगा ना कोई टेंपल बाकी रहेगा ना कोई मस्जिद बाकी रहेगी हैं तो अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में ये हुक्म जब, जब जंग का दिया तो मज़हब की हिफाजत के लिए दिया शदत पसंदों को कि तुमने कहाँ से ये तालीम ले ली अल्लाह तो कहता है कि मजहब की हिफाजत करो दूसरे मज़बों की भी हिफाजत करो क्योंकि तुमने क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वादे फ़रमा दिया कि फिर तो जो मजहब के मुखालिफ कौम लोग जो, जो हैं और मज़हब को ख़त्म करना चाहते हैं और तुम पे हमला करते हैं तब इनसे जंग करो ये नहीं है कि तुम अपने इंटरेस्ट के लिए यूदियों पे हमला कर दो या ईसाइयों पे हमला कर दो या बुद्धिट पे हमला कर दो या हिंदुओं पर हमला कर दो और उनको मारना शुरू कर दो बिला वजह यह शदत पसंदी जो है इस्लाम इसके मुखालफत करता है और इसकी तलीम नहीं देता आ हजरल वसलम की तो हमें ज़िंदगी इस पर गवाह है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं की और हमेशा लोगों को माफ़ फरमाया और की माफ़ी का ही हम नज़ारा देखते हैं फ़तह मक्का के बाद भी ला तसरीबा अलकमल योम कहा उन लोगों को कहा जिन्होंने बेशुमारुलम किए थे हैं तो हमें इस चीज़ को लोगों को बताना होगा इन पसंदों को कि तुम लोग किस गलत काम में पड़ गए हो अदर सल वम की तो तालीम नहीं थी बाद पसंद नहीं सुनना चाहते लेकिन इसके लिए एक लंबा वक्फा चाहिए ताल्लुक चाहिए अपने ज़ाती तल्लक इनसे बनाएँ इनके पास बैठें इनको कायल करें फिर ये सुनेंगे तो कुरान करीम सारा इस बारे में बड़ा पड़ रहा है आमदर सल्लम की सुनत आपका उसवा आपका उठना बैठना आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस बात का गवाह है कि आपने प्यार अमन मोहब्बत और शांति की तालीम दी है ठीक है ये बातें बतानी होंगी ठीक और आपका दो मिनट ये जो डिसकनेक्ट होने की वजह से जाया हुए थे मैं दो मिनट ज़्यादा ज़ायद दे, दे देता हूँ आपको इसके बाद वक्त ख़त्म हो जाएगा ठीक सामकम हाँ अब कौन है प्यारे हुजूर अस्सलाम वालेकुम यार हजू इस वरहुल्लह दिन है दर्जा सानी का इल्म हुजूर मेरा सवाल यह है कि मेरे कुछ गैरस जमात रिश्तेदार है जब भी मैं उनसे अहमदियत के मुतक़ कोई बात करना चाहता हूँ तो वो मुंह फेर लेते हैं इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए मुंह फेर लेते हैं तो फिर ये तो उनकी बदकस्मती बद है बेचारे कि वो हक़ को सुनना नहीं चाहते उनके लिए दुआ करें हैं और दुआ करके कहें कि अहमदियत की बातें उनसे ना किया करो उनसे सिर्फ इस्लाम की बातें किया करो ठीक है उनको अहमदियत की तबलीग न करो एक तो उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इनके दिलों को नरम करे, दूसरे उनसे कहो तो मुसलमान तो हो ना, चलो आप आज़रतल वम की सीरत पर बातें कर रहे हैं आ सहबा की सीरत उनके उस पर बातें करें हैं कुरान करीम की जो हुक्म है उनके ऊपर बात करते हैं तो जब वो देखेंगे कि तुम कुर करीम पे अमल कर रहे हो कुरान करीम की बातें करते हो आ हज़र से इश्क और मोहब्बत की बातें करते हो आपके सहाबा से मोहब्बत और इखल... इश्क की बातें करते हो तो वो तुम्हारे से बातें करते जाएँगे आहिस्त एक वक्त में ऐसा आएगा वो समझेंगे कि ये इनकी तलीम तो वही है जो हमारी तलीम है चलो इसकी और बातें भी सुने तो फिर वह आहिस्त आहिस्त सुन लेंगे इस पर वक्त लगेगा लेकिन हर एक काम करने की वाज हमत होती है हमत से कुरान की का भी यही हुक्म है मुआजा तो का कि वाज करो हमत से वाज करो अगर एक नहीं सुनना चाहता तो उसको दूसरा तरीका इख्तियार करो ठीक है तो एक तो ये तो मैंने एक तरीक़ा बता दिया ना अपने माहौल के हिसाब से और तरीके खुद अख्तिया देखो किस तरह हम इन लोगों को कायल कर सकते हैं और दूसरी ये कि दुआ दुआ में बड़ी ताकत है दुआ में बड़ा ज़ोर है इसमें इसके लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला सब कुदरत रखने वाला है वो हर चीज़ का वो सब कुदरतों को मालिक है कि अगर उसके नज़दीक इन लोगों के दिलों में नरमी पैदा होनी है और इनके अंजाम बखैर होने हैं तो वो इनके दिलों को खोल देगा हमने अपनी कोशिश करते रहना है यही आंद रसलसल को हुक्म था कि अब तुमने तबलीग पहुँचानी है बाल तब्ली करो लेकिन तुम्हारे पे ये फ़र्ज नहीं कि ज़रूर उनको आहदी बनाओ हाँ तबलीग करने के मुख्तलि तरीके होते हैं आदर वम ने जो सुलह उदैबिया से, से पहले जब वो गए थे इस यहां तक भी राज़ी हो गए थे उस शर्त पे कि ठीक है हम मक्के वालों को तबलीग नहीं करेंगे लेकिन इर्द गिर्द वालों को हम तबलीग करते हैं वहाँ तुम लोग छेड़छाड़ नहीं करोगे हमारे से अब वहाँ इस मुहदा यही यहीदा भी होने हो गया था कि तुम मक्के वालों को तबलीग नहीं करेंगे इस बात पर भी राज़ी थे वसलम सबसे बड़े मबलिक तो आन सालों में ना तो आपने और मक्के वाले आपके रिश्तेदार भी थे उसके बावजूद आपने इस मुहदे पर कायम होने लगे थे पे राजी थे इस बात पर भी कि ठीक है तुम्हें तो नहीं हम तुम तब्लीग करते लेकिन बाकी जो इलाका पड़ा है वहाँ हम जब तब्लीग करेंगे तुम लोग हमारे से छेड़छाड़ नहीं करोगे तो इसलिए कि कुछ अर्से के लिए वो तब्लीग बंद होनी थी क्योंकि आन सालों को पता था कि कुछ अर्से के बाद खुद ही इन लोगों ने फिर मेरी बात सुन ली है तो कुछ अरसे के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्ट जाके आदमी हमला करके तो कहे तुम मुसीमा उदा गया नहीं मानोगे तो जन्म ही हो जाओगे वो अगला तुम्हारी गर्दन काट देगा जहन हो जाओगे तुम कौन जहनम में फेंकने वाले हैं इसलिए उनसे बात करो कुरान की हदीस की आंधर रसलम की सीरत की उसवा हसना की सहाबा की तो आम कॉमन कॉमन ईश्यूज़ की बात करो ठीक है तो अहले किताब को भी अल्लाह ताला ने यही कहा है ना कि एक बात जो है हम आओ उस बिल सवाइन बैनाना बैन कुम कि जो हमारे दरम्याण जमाने कामन चीज़ है उस पर बात करते हैं तो कामन चीज़ तो हमारे दमान अल्लाह ताली की जात है आन सलम की जात है एहले किताब या दूसरों से अगर हम कर सकते हैं बातें तो अपने रिश्तेदारों से भी कर सकते हैं इस तरह तो कामन जो इशू हैं उसके ऊपर बातें करनी चाहिए हैं तो उससे करोगे तो आप ही वो आज सुन लेंगे लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं किसी से ठीक है चलो अब छुट्टी करो सलामकुम हाँ जी वक्त ख़त्म हो गया आपके अबल साहब आप अबल साहब बैठे हैं मेरे मेरे राइट पे आप एक मेरे राइट पे अबल, अबल मेरे राइट पे अबल साहब हैं और मेरे लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे आखिर साहब हैं अच्छा प्रिंसिपल साहब भी उर्दू की क्लास लिया करें थोड़ी सी <laughs> अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिजो फिर अरहमल वर्का वालेकुम